नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हमने रीजनिंग से टॉपिक लिया है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। और इससे पहले दोस्तों हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग के बारे में बताया है, जिसके दोस्तों हमने बेसिक से 4 वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें हम इसका दोस्तों बेसिक समझेंगे और यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार से क्वेश्चन हमें इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं 7 से 8 टाइप के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें आरेख दिए जाते हैं, कुछ डायग्राम दिए जाते हैं जो सर्किल में होते हैं, और वहाँ पर दोस्तों हमें रिश्ते में संबंध दिया जाता है, काम से संबंध दिया जा सकता है। तो वहाँ पर दोस्तों हमें संबंध देखने के बाद में ये देखना है कि कौन सा डायग्राम सही है, जहाँ पर हमें ऑप्शन में डायग्राम दिए जाएंगे। तो चलिए हम इसके टाइप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला टाइप ये है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखना है कि कोई वस्तु है जो दूसरी वस्तु का भाग है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है महीने, दिन, घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या संबंध हम देख सकते हैं कि जो दिन है वो महीने का भाग है और जो घंटा है वो दिन का भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका संबंध दर्शाने के लिए हम डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महीने है, दिन है, घंटा है, ठीक है। तो महीने का भाग दिन है और दिन का भाग घंटा है। तो सबसे पहले जो ड्रॉ होगा वो होगा दोस्तों महीने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला सर्किल है ये है दोस्तों महीने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में है दोस्तों दिन। तो दिन होते हैं जो महीने के अंदर आएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम दिनों के लिए ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गए दोस्तों दिन, ठीक है। अब यहाँ पर है घंटा, तो दिन के अंदर होते हैं घंटे, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे घंटे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इन्हें दर्शाएंगे। अब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, जैसे यहाँ पर है गाँव, जिला, राज्य, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो गांव है वो जिले का भाग है और जो जिला है वो राज्य का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे राज्य को सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों ये है राज्य, इसके अंदर आएगा जिला और इसके अंदर आएगा गांव, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक स्थान है वो दूसरे स्थान का भाग है, जैसा कि यहाँ हमें पहला टाइप दिया गया है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य का भाग जिला है और जिले का भाग है गांव, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। चलिए अगला इसका टाइप हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो यहाँ हमें दिया गया है कुत्ता, बिल्ली, पालतू, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम पालतू से देखें तो कुछ कुत्ते होते हैं जो पालतू हो सकते हैं, कुछ बिल्लियां भी पालतू हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी कुत्ते पालतू होते हैं या सभी बिल्लियां पालतू होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका डायग्राम किस प्रकार से हम बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका बनाएंगे पालतू, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसी से हमें संबंध दर्शाना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बना देते हैं, जैसे ये है पालतू का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियां पालतू होती है। तो इसका दोस्तों कुछ आंशिक हिस्सा जाएगा, यानी कि कुछ हिस्सा ही यहाँ पर कुत्तों और बिल्लियों के लिए जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम ड्रॉ करते हैं इसको, यहाँ पर मान लीजिए ये है कुत्ते के लिए, ठीक है। यहाँ पर है कुत्ता और यहाँ पर दोस्तों इसका कुछ आंशिक हिस्सा हम यहाँ से लेंगे और ये बनाएंगे हम बिल्ली के लिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हम आरेख में दर्शाएंगे कि यहाँ पर दोस्तों कुछ कुत्ते हैं जो पालतू है और कुछ बिल्लियां हैं जो पालतू है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी कुत्ते पालतू है या सभी बिल्लियां पालतू है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो सकता है। चलिए इसका हम तीसरा टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं हो। तो यहाँ पर दोस्तों जब कोई संबंध नहीं होगा तो हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है हाथी, बंदर, गिदड़। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो तीनों है प्राणी अलग अलग है, तो इनके लिए हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबके लिए अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पर ये हाथी के लिए है, ये बंदर के लिए है और ये दोस्तों गिदड़ के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग से होगा ये, और इस प्रकार से हम इन्हें ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगला हम टाइप देखें, तो अगले टाइप में हमें दिया गया है जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो परंतु तीसरी उनसे अलग हो। किस प्रकार से, जैसे यहां पर देखिए दोस्तों फल है, अंगूर है, सब्जी है। अब यहां पर हम देखें तो अंगूर है जो एक फल है, यानी कि अगर हम यहां पर फल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर है जो अंगूर आएगा। यहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो अंगूर है वो सभी फल है, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों हम आगे देखें तो यहां हमें दिया गया है सब्जी, तो यहां पर दोस्तों जो सब्जी है वो फल नहीं हो सकती, तो यहां हम इसे अलग ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, यहां पर यह हो जाएगी सब्जी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों और भी प्रकार के संबंध हो सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो लेकिन तीसरे से नहीं हो। तो जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर हमें दिया गया है पुरुष, सिपाही, हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी पुरुष सिपाही होंगे, यहाँ पर दोस्तों कुछ पुरुष है जो सिपाही हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे पुरुष के लिए ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये पुरुष के लिए है, तो कुछ पुरुष है जो सिपाही हो सकते हैं लेकिन सभी पुरुष सिपाही नहीं हो सकते। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सभी सिपाही पुरुष है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या होगा कि
मानसिक हिंसा आएगा, इससे दोस्तों कुछ संबंध इसका हो सकता है। लेकिन यहाँ अगला हम देखें, यहाँ हमें हिंदी दिया गया है, तो हिंदी तो एक भाषा है, ना तो सिपाही है ना पुरुष है, तो इसे हम अलग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हिंदी के लिए इस प्रकार से ड्रॉ होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आरेख देखते हुए हमें संबंध पता करने हैं। और दोस्तों इस प्रकार से भी संबंध हो सकता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, और तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग हो सकती है, और इस प्रकार से आंशिक रूप से भी हो सकता है, यानी कि कुछ संबंध हो। ठीक है, चलिए अगला टाइप हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, अर्थात कुछ कुछ वाली अवस्था हो। अब यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से होगा, जैसे हमें एग्जांपल दिया गया है वकील, औरत, डॉक्टर। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो एक औरत है जो वकील हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी औरत डॉक्टर होगी या सभी औरत वकील होगी। यहाँ पर दोस्तों इसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे औरत के लिए, तो यहाँ पर औरत के लिए ये सर्किल है जैसे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों औरत है जो डॉक्टर हो सकती है, कुछ औरत है जो डॉक्टर हो सकती है, और कुछ औरत है जो वकील हो सकती है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंशिक रूप से संबंध है, यहाँ पर ये है दोस्तों डॉक्टर के लिए और यहाँ पर ये है वकील के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक रूप से संबंध दिया जाता है, यानी कि कुछ कुछ संबंध दिया जाता है, तो इस प्रकार से हम उसे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने देखा है कि औरत है जो वकील हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी औरत है जो डॉक्टर होगी या सभी औरतें हैं जो वकील होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अगले टाइप भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो, अर्थात आंशिक संबंध हो, परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है पुरुष, पुलिस, मानव। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो मानव एक प्रजाति है और पुरुष है और पुलिस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो कुछ पुरुष है जो पुलिस में हो सकते हैं, या दोस्तों हम कहें कि कुछ पुलिस पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों मानव है इसे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये एक प्रजाति है मानव। ठीक है, अब यहाँ पर मानव हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों पुरुष यहाँ होंगे, तो कुछ पुरुष है जो पुलिस में हो सकते हैं, या दोस्तों कुछ पुलिस है जो पुरुष हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ होगा, ये पुरुष के लिए है, ये पुलिस के लिए। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो पुरुष और पुलिस का आंशिक रूप से कुछ संबंध है, लेकिन दोस्तों ये दोनों है जो मानव प्रजाति में आते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो, अर्थात आंशिक संबंध हो, परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मानव प्रजाति के अंतर्गत आते हैं और इनका आंशिक रूप से कुछ ना कुछ संबंध है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें मिलेगा, तो उसे हम इस प्रकार से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका हम टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला टाइप है वो कुछ इसी से मिलता है। यहाँ पर हमें दिया गया जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो, परंतु दोनों ही तीसरी का भाग हो, जैसे दोस्तों सोना, चांदी, धातु। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो सोना अलग है, चांदी अलग है, लेकिन दोनों को हम देखें तो दोनों धातु है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या था कि आंशिक संबंध दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो धातुएं हमें दी गई है वो दोनों अलग है, लेकिन दोनों धातु है। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम धातु को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों धातु और इसके अंतर्गत आते हैं सोना और चांदी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सोना के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा चांदी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा है कि जो दो वस्तुएं हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोस्तों तीसरी वस्तु यानी कि जो धातु हमें दी गई है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम से 8 प्रकार के क्वेश्चन है जो बनते हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।